ज्वालामुखी स्थिति का आधार हमारे सारे दिन की दिनचर्या। हमें याद आता है प्यारे बाबा ने बचपन में हम बच्चों को कैसे पुरुषार्थ कराया। कराची में जब प्यारे बाबा अंतर्मुखता का महामंत्र देते थे तो हम बच्चे गहरा पुरुषार्थ करते थे। इन आंखों से देखे, आवश्यक देखे, आवश्यक सुने, आवश्यक बोले। अंतर्मुखता शब्द आता है क्योंकि जितने भी चंचल करने वाले इंद्री है वो हमारे मुखरे के अंदर। आंखें जितना देखती है उतना मन चलता, कान जितना सुनते हैं उतना संकल्प चलता है, और जितना हम मुख से बोलते हैं उतना नीचे आते। तो अंतर्मुखता की गुफा में रहना अर्थात इन सर्व इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना। कम देखें, कम बोलें, कम सुने, जब इसी रीति से हम गहरा अंतर्मुखता की, जिसको गुफा कहा जाता है। सन्यासी गुफा में तपस्या क्यों करते थे? जहां बाहर का वाइब्रेशन ना आए। तो हम सबको बाबा ने अंतर्मुखता की गुफा दी कि बच्चे तुम कर्म योगी हो तो तुम्हें कर्म तो करना है, मगर कर्म करते हुए भी जितना तुम्हें आवश्यक है उतना शरीर में न्यारा, और बार बार देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस कर। प्यारे बाबा ने कराची में जब हम बच्चों को याद का चार्ट लिखने का दिया था तो हम बच्चे चार्ट कैसे लिखते थे कि एक घंटा हम योग में बैठे, पहला 15 मिनट स्टेज हमारी कितना परसेंटेज पावरफुल रही, पिछला 15 मिनट हमारी कैसे रही। एक घंटा एकरस स्थिति नहीं रहती। अभी हम चार्ट लिखते हैं तो कहते हैं याद में एक घंटा रहे, मगर बाबा हम बच्चों को ध्यान खींचाते थे उसकी परसेंटेज भी चेक करो, याद में कितने परसेंटेज की पावरफुल स्थिति रही। जब इसी रीति से हम बच्चे ध्यान देते थे तो उस चेकिंग से क्या होता था, चेकिंग से चेंज होती। अगर देखते थे हमारा पहला 15 मिनट हमारा हल्का योग हुआ तो दूसरे में अपने को अटेंशन देके अपने को पावरफुल स्थिति में करते। तो पावरफुल स्थिति योग की बनाने का आधार हमारा अशरीरीपन का। जब देह से न्यारा हो जाती है तब हम सही आत्मक अनुभूति कर लेते, और आत्मक अनुभूति में भी इसी रीति से अनुभूति करें कि बाबा ने हमें जब इस सृष्टि मंच पर भेजा था कैसा भेजा था, एकदम प्योर आनंद स्वरूप, शान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो हमारा निजी स्वरूप था उस स्वरूप में अपने आप को प्रैक्टिकल में स्थित कर ले।